चाहते रहिए, कान यहाँ रहे और ध्यान वहां रहे। हाँ, ध्यान भगवान के चरण शरण में रहे और कान भगवान की कथा कीर्तन भजन में रहे, तो जीव का जीव भाव सागर से शीघ्र पार हो जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। कथा की महिमा ही इतनी अद्भुत है साहब। कथा प्रारंभ हुई है, कहते पहले अध्याय में कथा की अद्भुत महिमा बता दी गई है। इतनी महिमा कि ज्यादा कथा सुनने नहीं है। हाँ, केवल सत्य नारायण देव यज जैव निशाम के, केवल सत्यनारायण की आराधना से जीव भव सागर से पार हो जाता है। ये कथा की इतनी अद्भुत महिमा है, नैमिषारण्य की कथा है। एकदा नैमिषारण्य और ऋषियः शौनकादि 88,000 ऋषि मिले विचार करते हैं। इस कलिकाल में जब कोई जीव दुखी हो तो करे क्या, केवल भगवान की शरण में जाए। कथा का सार ही है, कथा का सार है भगवान के चरण शरण में शरणागति हो, भगवान की भक्ति हृदय में हो, भगवान से सच्चा प्यार हो जाए बस। और जब भगवान से सच्चा प्रेम हो गया तो भैया क्यों ना मिलेंगे कन्हैया, जरूर मिलेंगे। जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, और जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। अद्भुत कथा। ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से और नारद जी ने पूछा भगवान से, और जो उत्तर भगवान ने नारद जी को दिया वही उत्तर फिर सूत जी महाराज ने ऋषियों को दिया है। और ये कथा रूपी गंगा क्यों निरंतर प्रवाहित हो रही है, कहते भगवान श्री नारायण के मुख से जो गंगा निकली है भैया वो कभी सूखती नहीं है। सजल मूल जिन सरितन नाही अबरस गए पुनि तबही सुखाए। ये सजल मूल रूपी जो दिव्य कथा है, कहते हैं भगवान की कथा पहले अध्याय में महिमा पूछी, किम फलम किम विधानम, फल क्या है विधान क्या है, किसने किया कब करे। कहा भैया देखो फल ये है, जो मांगोगे वो देने वाले परमात्मा दे देते हैं, ये फल है। विधान क्या है, विधान अपनी शक्ति के अनुसार सेवा कर देना, यही विधान है। और कृतम के ने वो किसने व्रत को किया, वो चार अध्याय में बताया है। और कदा कार्यम व्रतम प्रभु, कब करे भगवान आपके पूजन को। कहा यस्मिन तस्मिन दिने, जब कभी भगवान की याद आए, भगवान की कथा करने से जीव का उद्धार होता है। और विशेषतः कलियुगे लघु पायोस्ति भूत, इस कलिकाल का सबसे सरल उपाय है। और जो भगवान की शरण में जाकर भगवान की दिव्य कथा को पढ़ता है, श्री ठाकुर जी उसका कल्याण कर देते हैं। प्रेम जोड़े सत्यनारायण भगवान की जय। जो दूसरे अध्याय की कथा में सुनाते हैं श्री सूत जी महाराज, काशे पुरे रमो में यासे निर्धन है, ब्राह्मण दरिद्र नहीं है, ब्राह्मण निर्धन है साहब। सुदामा जी के बारे में श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृष्ण श्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्ता, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इस जो शतानंद जी महाराज है कहते वो ब्रह्मानंद में मस्त रहते हैं, इस कारण से निर्धन है। धन को कमाने के लिए धन पे ध्यान देना होता है, धन अर्जन करने के लिए धन की ओर ध्यान तो जाए, लेकिन कहते हैं ब्राह्मण देवता तो हरि आनंद में ब्रह्मानंद में भजनानंद में इतने मस्त रहते कि ध्यान ही नहीं गया कि संसार को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता होगी। आनंद में हरि स्मरण में भ्रमण कर रहे हैं। पत्नी ने टोका कि व्यवस्था कैसे चलेगी, संसार की व्यवस्था पे भी आपको ध्यान देना होगा। आप भले कहते हैं मस्त रहिए अपने भजनानंद में, इस गृहस्थ का ध्यान मैंने आपसे विवाह क्यों किया है, कुछ गृहस्थ के सुख तो मुझे मिले, मेरे बच्चे भी अच्छे विद्यालय में पढ़े, उनको भी अच्छे अच्छे भोजन व्यजन मिले। महाराज जी ऐसे नहीं चलेगा, महाराज जी को बहुत पीड़ा हुई, आज भजनानंद से ध्यान उनका हटा। आज वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हे मेरे नाथ,
कुछ तो कृपा करो, ऐसी कोई कृपा करो कि मेरे जीवन से आज उनको यह आभास हुआ कि मैं दरिद्र हो गया। घर वालों ने जब टोका, महाराज जी को बहुत पीड़ा हुई और भगवान को बुलाया, भैया बुलाया तो भगवान तुरंत चले आए, कलिक देर नहीं लगाई, तुरंत आए। कैसे आए? वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थम। कैसे आए? बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके। वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थम पपच्छा विजमादरा, वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थम पपच्छा विजमादरा। बूढ़े ब्राह्मण का रूप ले आए और आदर से पूछा, कैसे पूछा? पप्रच्छा द्विजम आदरात। आदर पूर्वक पूछा कि महाराज आप कौन हो, क्यों पुकार रहे हो भगवान को, क्यों दुखी हो आप? तो कहा महाराज आज मुझे अनुभव हो गया कि मैं दरिद्र हो गया। क्यों? इसके लिए आज बड़ी ग्लानी हो रही है। ब्राह्मणो दरिद्रोहम भिक्षार्थम विभ्रमे महिमो उपायम यदि जानासि कृपया कथया प्रभो, उपायम यदि जानासि कृपया कथया प्रभो। क्या कहा? उपायम, उपाय बताइए। यदि जानासि, ऐसा नहीं कि जब बता ही दीजिए, जानते हो तो बताइए कौन सा उपाय। मैं दरिद्र हूँ, दरिद्रता दूर करिए। बोले कौन सा दरिद्र महाराज, आप तो बड़े ब्रह्म ज्ञानी है। बोले नहीं भैया, संसार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, आज हमको हमारी धर्म पत्नी ने बताया। हाँ, तो हमको धन की आवश्यकता है। हमारे बच्चे भूखे सोते हैं, ध्यान आज तक नहीं गया। मैं भ्रमण करता हूँ, भगवान की भजन में मस्त रहता हूँ, लीन रहता हूँ। आज पता लगा कि मेरे बच्चे घर में रोज भूखे सोते हैं और मैं बैठकर भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे भजन नहीं होगा प्रभु, उपाय बताइए। उनको उपाय बता दिया। क्या उपाय बताया? सत्य नारायण देवा यजत्रैव निशामुखे, सत्य नारायण देवा यजत्रैव निशामुखे। क्या कहा? भैया सायंकाल भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन अर्चन और कथा को श्रवण करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। बड़े आनंदित हो गए। कह रात्रो निद्राम न लब्धवान, पूरी रात चिंता में समय बीता। प्रातः काल उठे, जो मांगना था पूरा आज गांव में भ्रमण किया, सारी सामग्री लेकर मंदिर में बैठकर भगवान की कथा सुनी और कथा सुनी भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु आज मुझे जो आनंद की अनुभूति आपके शरण में मिली वो आज तक कभी नहीं मिली। हाँ, तो ये कृपा बनाए रखिये, बस यही कृपा बनाइए और कुछ नहीं। सारे जग को रहे न चार, हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रहे न चार, हरि माया जादूगरनी। भगवान से प्रार्थना है, प्रभु आपकी माया का प्रभाव इस दास पे ना हो, इतनी कृपा। अब भगवान ने कृपा करी, ब्राह्मण देवता यहाँ आनंदित रहे, उनके द्वारे एक लकड़हारे ने भी भगवान की कथा सुनी, दोनों यहाँ आनंद में रहे। देह त्यागने के बाद भगवान के श्री धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। पुनः तीसरे जय कथा। तुंग ध्वजो नाम विपर्दासी महामती, भार्य दग्ध प्रमुख सरोज वदना सती, भार्य दग्ध प्रमुख सरोज वदना सती। कथा है सती की, और सती कैसी है? तो सरोज वदना है। सरोज वदना सती की कथा, और सती कैसी? तो उनके पति की कथा, और उनके पति कौन? तो तुंगध्वज नाम के राजा। और तुंगध्वज नाम के राजा भी कैसे? कहा महामती। सती के पति राजा महामती है भैया,
और महामति राजा क्यों महामति, महामति वही है भैया जिसने अपने मति को भगवान श्री सत्यनारायण के चरण में लगा दिया, वो महामति हो गया। बाकी सारा संसार वो दुर्मति है, जिसको भगवान की कथा प्रिय न लगे वो दुर्मति है, उसके कान सांप के बिल के समान है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरा वाक्य नहीं है। जिना हरि कथा सुनहि नाहि काना, श्रवण रंध्र हरि भवन समाना, श्रवण रंध्र हरि भवन समाना। भगवान की कथा जिसने सुनी नहीं उसका कान सर्प के बिल के समान, यानी उसके जीवन में पाप ही पाप भरे हैं। भैया सत्संग का प्रभाव क्या है, सत्संग से कहा जो आपके हृदय में, जो श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी भगवान कहते हैं, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा श्रीमद् भागवती कथा, श्रवण मात्रेण हरे चित्तं समाश्रये, श्रवण मात्रेण हरे चित्तं समाश्रये। इतनी महिमा है कथा, यस्या श्रवण मात्र, सुनने से भगवान हृदय में आकर के कैद हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, इसलिए कथा सुननी चाहिए भैया। सुनने मात्र से भगवान हृदय में आकर के प्रकट हो जाते हैं, इसलिए जो सुंदरकांड करें चाहे हनुमान चालीसा करें, अंत में क्या लिखा है, भवना तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप, भैया लक्ष्मण के साथ, सीता जी के साथ, हे हनुमान जी हृदय में आकर के विराजमान हो जाओ। कथा का, पूजा का, पाठ का यही फल है भैया कि भगवान हृदय में आकर के बैठ जाए, कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार राजा का कल्याण हो गया, संतान नहीं था, कन्या रथ की प्राप्ति हो गई, कन्या का विवाह भी कर दिया, दामाद के साथ व्यापार करने भी गए, भगवान को भूल गए, इस कारण दुख भी मिला। दुख क्या मिला, दामाद के साथ जहाँ व्यापार कर रहे थे वहां का धन कहा किसने चुराया, तो चोरों ने चुराया, और वो पकड़ा पड़ गया, कहा राजा पकड़े गए। ये माया है भैया, इसकी गाड़ी कब पलट जाए ये कहा नहीं जा सकता, ये तो हरि की माया है। इसलिए सावधान रहिए, भगवान का भजन करोगे तब भैया कोई चिंता नहीं, जो भगवान कहा जो जीवन में अधर्म पालेगा उसकी गाड़ी जरूर पलटेगी, उसको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए अपनी गाड़ी को संभालना है तो क्या करना पड़ेगा, कहा भैया धर्म में रहिए, जीवन में धर्म है, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता, यही भगवान की कथा की महिमा है। और इस प्रकार से भगवान की कथा, वहां पर राजा अधर्म के कारण ये लोग चोरी में पकड़े गए, घर में जो धन था समाप्त हो गया, माँ बेटी भिक्षा मांगने लगे, बिटिया भिक्षा मांगते मांगते मंदिर पहुंची, और मंदिर पहुंची क्या देखा, भगवान की कथा देखी, लेकिन इतनी श्रद्धा थी कि कथा जब तक पूरी नहीं हुई वहां बैठी रही, रात्रि हो गई, माँ ने पूछा बेटी इतनी रात कहाँ थी, तो माँ को बताया कि भैया भगवान सत्यनारायण की कथा में मन को लगाए हुई थी, इसलिए समय का भान भी नहीं हुआ, पता भी नहीं चला समय बीत कैसे गया। प्रसाद माँ को दिया, दोनों ने मनोती मानी कि पति दामाद आ जाए, पूजा करेंगे, भगवान की कृपा भई, और फिर वहां पर भगवत कृपा से भगवान ने वहां रखे राजा को स्वप्न में दर्शन दिया, दोनों को मुक्त कर दो, और राजा ने दोनों को मुक्त कर दिया। भगवान की जय जयकार करते हुए नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। राधे पुनः चलिए पुनः तुलसी लेकर के, और देखिए इस कली काल में केवल कलियुग केवल हरिगुण दाहा,
कलयुग में और कुछ नहीं, भगवान की लीला भगवान का चरित्र सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। आओ गावत नर पावई भवथा, गाने से भव सागर से जीव पार हो जाता है। जरूरी नहीं कि 500 साल जिए तभी हमारा कल्याण होगा, 20 साल की उम्र में भी जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है। संत ज्ञानेश्वर देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र की भूमि में छोटे से उम्र में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिए और जाकर के समाधि लगा ली, उनकी समाधि तो जाकर के कहा समाधि लगा ली, वहां जाकर आनंदी में और जाकर के कहा उनका संतों का दर्शन करने से जीव भाव सागर से पार हो जाता है। और इस प्रकार से अद्भुत कथा, नाम की इतनी महिमा है कि नाम गाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी लोग भगवान का नाम गाएंगे, हे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। Yeah.
भोले बाबा मैया से यही कहते हैं, देवी इस जगत में कोई अपना नहीं है, सत हरि भजन ही सच्चा है। आज भगवान के सामने रो रहे हैं, भगवान ने कहा भैया तू सत्य से दूर हो गया इसलिए दुखी है। सत्य क्या? तो सत्य हरि भजन। सत्य के नाम पे झूठ पाखंड फैलाने वाले लोगों की दुर्गति इस लोक में भी होती है, पर लोग तो जाएंगे नहीं, तो छोड़ेंगे। जो सत्य के नाम पे सत्यनारायण कथा के नाम पे झूठ और पाखंड फैलाए, यहाँ तो भैया दुर्गति होगी, ये तो 100% है। यहाँ जाने के बाद वो परलोक नहीं जाएंगे भी गारंटेड है। कहाँ जाना पड़ेगा? तो नरक जाना पड़ेगा। क्यों? असत्य नहीं असत्य सम पातक पुंजा, ये पाप का पुंज है भैया झूठ। हाँ, इसलिए जगत के व्यवहार में जितना हो सत्य का आचरण करने का प्रयास हो। व्यापार के लिए थोड़ी छूट है कि 2 रुपये का सामान 2.5 रुपये बता के आधा ना जेबा में डालो, ठीक है। हाँ, पर 2 का 4 और 6 और 10 लिया जाए तो भी असत्य है। इस प्रकार से मनोस्मृति में नियम बनाए गए हैं, जगत के नियम है। तो भगवान के शरण में गए, रोने लगे। भगवान ने कहा क्या चाहिए? कहा पुरा वितर सर्वम त्राही माम शरण, मेरी रक्षा करो भगवान। भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान से जब कहा, भगवान तथा सुख के अंदर ध्यान हो गए, सब कुछ मिल गया, नौका लेके आगे बढ़े। दर के रक्षक दूध घर पहुंचे, माँ बेटी पूजन कर रही थी। माँ गई पति दर्शन के लिए, आज्ञा पाकर बेटी बिना आज्ञा की गई, पति रुक गया, जल में डूब गया। डूब गया तो क्या हुआ? कहा रोने लगे, सब रोने लगे, रोने लगे। आकाशवाणी हो, साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया है, यदि प्रसाद को ग्रहण करेगी तो अपने पति को प्राप्त करेगी। आकाशवाणी हो गई और तुरंत दौड़ के गई और भगवान के पास जाकर के रोने लगी, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए। हाँ, भगवान के सामने रोने लगी, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, क्षमा कर दो मुझे भगवान, क्षमा कर दो मुझे भगवान, मैं पूजा छोड़ आई हूँ, क्षमा कर दो मुझे भगवान, मैं पूजा छोड़ आई हूँ, कृपा कर दो तनिक भगवान, मैं अर्चन छोड़ आई हूँ, कृपा तनिक भगवान, मैं अर्चन छोड़ आई हूँ। प्रसाद की महिमा ना जानू, प्रसाद की महिमा, प्रसाद की महिमा ना जानो, प्रसाद की महिमा ना जानो, प्रभु बस तुमको अपना मानो, प्रभु बस तुमको अपना मानो, सामने आज प्रार्थना करे। मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, प्रसाद की महिमा नहीं जानती थी, हे प्रभु फिर भी मैं तुम्हें अपना मान मान, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो और मुझे अखंड सौभाग्य होने का आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, भगवान तो भैया भाव के भूखे हैं, भगवान स्वयं कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव है बस सार है, भाव से मुझको भज लो, भाव से मुझको भज लो, उसका बेड़ा से पार हो जाता है। हाँ, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है। नाव के पास पहुँचे, पति लेकर नौका को लेकर के आ रहे थे, भगवान की जय जयकार कर संकल्प ले लिया, जब तक सांस रहेगा तब तक मैं आपका भजन करूंगा।
भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु जब तक अंतिम सांस में आज से एक कृपा करना। हर सांस में हो तुम तेरा, हर सांस में हो तुम तेरा, श्वास रहा भगवान का भजन करते रहे, यहाँ आनंद में रहे, देह त्याग के बाद भगवान के नाम से। पंचमोध्याय जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति लेकर आया। मतलब तो क्या विपत्ति लाया भैया, क्या विपत्ति लाया? कहा भैया जिस बात का अभिमान था वो अभिमान ही भगवान समाप्त कर देते, यही महिमा है भगवान। जिस बात का अभिमान था उसी अभिमान को प्रभु समाप्त कर देते हैं। क्या अभिमान था? तस्य पुत्र शकुन नष्टवा धन धान्य। भगवान और कुछ नहीं करते भैया, जिसको जिस बात का अभिमान होता है, धन का, संपत्ति का, वैभव का, बेटा पत्नी पुत्र परिवार का, भगवान केवल अभिमान समाप्त करते हैं। किसी को कभी अभिमान रहा होगा कि भैया हमारा बहुत एक छत्र राज्य है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ भैया उसको गाड़ी पलट जानी है, खड़े खड़े परलोक पहुँचा दिया जा रहा है। क्यों? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी द्वादश बरस में जड़ा मूल से जा। कहते भैया एक दिन पाप का घड़ा फूटता है, और जब फूटता है ना भैया, तो जिस बात का अभिमान था, कहते माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इसलिए संत कहते हैं, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा उसके लिए। कहा भैया जिनका अभिमान था, सौ पुत्र का, धन धान्य का, सब नष्ट हो गया। नष्ट हुआ, बुद्धि खुली, तुरंत भगवान के शरण में गए, बच्चों को बुलाया, ग्वाल बालों को बुलाया, और बैठ के भगवान की कथा सुनी, प्रसाद को ग्रहण किया, और आज भगवान को हृदय से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरा अपराध तो बहुत है, लेकिन फिर भी क्षमा करो, भगवान मुझे क्षमा करो, बहुत अपराध है, और आज जो लगन लगी है वो लगन लगी रहे आशीर्वाद। प्रभु जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लागे
जय जय क्या भगवान को कहा भगवान ने कृपा कर दी, कृपा करी जो गया वो फिर मिल गया। हाँ ये लेना देना आना जाना ये उनकी खेला है, उन्हीं की कृपा भी है। इसलिए क्या करिए बस उनकी शरण में मस्त रहिए और कुछ नहीं करिए, व्यस्त रहिए मस्त रहिए। ये जीवन का सूत्र है, जितना व्यस्त रहेंगे उतना आनंद आएगा। खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है, खाली मत रहिए व्यस्त रहिए हमेशा कुछ करते रहिए। काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते हर समय कृष्ण का ध्यान करते रहो, हर समय काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते रहो। भगवान दर्शन जरूर देंगे भैया, इसलिए क्या करिए तो काम करते रहिए, भगवान का नाम जपते रहिए और हमेशा भगवान का ध्यान करते रहिए। मनसा वाचा कर्मणा जो भगवान का हो जाता है, तन मन धन से जो भगवान का हो जाता है, भगवान उसके जगत के सारे काम को कर देते हैं। प्रेम सूर्य भक्त और भगवान की। और इस प्रकार से बताते हैं भैया, सूर्य जी महाराज कहते हैं कि भगवान अनेक नहीं है, एक ही है जिस रूप में पुकारो, चाहे राम बोलो चाहे कृष्ण कहो। हाँ भगवान राम भी है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के कभी गणपति बन के कभी भोला बनकर आकर के भगवान भक्तों का कल्याण करते हैं। हमको क्या करना है फिर, हमको जो रूप अच्छा लगता है भगवान का उसी रूप में सबका दर्शन करना है। हाँ जैसे तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को प्रेम किससे था बताइए, राम जी से, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, रामचरितमानस एहि नामा, का नाम क्या है रामचरितमानस। और इस ग्रंथ में गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, गोस्वामी जी स्वयं बताते हैं कि भैया इस ग्रंथ में आपकी सारी समस्याओं का सारे प्रश्नों का उत्तर है, ऐसा अद्भुत ग्रंथ है रामचरितमानस। तो कहते वही एक भगवान, एक अनीह अरूप अम अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। भगवान एक है, अनी है, अरूप है।